नमस्ते, मायसेल्फ प्रोफेसर के चौधरी, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड मेथोडोलॉजी, ज्योति विद्यापीठ, वुमेन यूनिवर्सिटी, जयपुर। सब्जेक्ट इज एनिमल डाइवर्सिटी एंड इन कंटिन्यूएशन ऑफ द लेक्चर वी विल डिस्कस टुडे अबाउट द मॉर्फोलॉजी ऑफ द एंटामीबा हिस्टोलिटिका। एंटा अमीबा हिस्टोलिटिका वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इज ए स्मॉल माइक्रोस्कोपिक पैरासिटिक अमीबा फाउंड इन द अपर पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। कि एंटा अमीबा हिस्टोलिटिका एक छोटा, जो माइक्रोस्कोप से आप देख सकते हो, पैरासाइट है जो ह्यूमन बीइंग की लार्ज इंटेस्टाइन के अपर पार्ट में पाया जाता है। इन इट्स लाइफ साइकिल इट अकर्स इन द थ्री फॉर्म्स, ट्रोफोजॉइट्स और मैग्ना फॉर्म्स, सेकंड प्रीसिस्टिक और माइन्यूटा फॉर्म्स एंड थर्ड इज द सिस्टिक फॉर्म। एंड इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द फर्स्ट फॉर्म, दैट इज द ट्रोफोजॉइट्स और द मैग्ना फॉर्म। This is the diagram of the trophozoite form. Trophozoites of Entamoeba histolytica is also known as magna या trophic form. इसको magna भी बोलते हैं और trophic form भी बोलते हैं। ये क्या है कि it is most active, बहुत ज़्यादा active है, motile है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकती है और फीडिंग फॉर्म, और ये फीड करती है, खाना खाती है, और ये फीडिंग फॉर्म है। तो इसीलिए क्या है कि इट इज़ पैथोजेनिक टू ह्यूमन बीइंग, इसी से डिजीज फैलता है, यही रीजन है कि यही डिजीज को स्प्रेड करती है। इट लिव्स इन द म्यूकस एंड सब म्यूकसा लेयर ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन की म्यूकस और सब म्यूकस जो लेयर हैं उसके अंदर ये रहती है। 20 से 30 माइक्रोन इन डायमीटर साइज है इसका, ठीक है। इट द आउटर कवरिंग इज नोन एज प्लाज्मा लीमा, ठीक है। आउटर मोस्ट बॉडी कवरिंग को प्लाज्मा लीमा कहते हो, दैट इज द थिन इलास्टिक एंड सेमी परमिएबल, यानी कि इट क्या करती है, सेमी परमिएबल, ओनली परमिट सेलेक्टेड सब्सटेंस थ्रू इट। तो ये ट्रोफोजाइट्स के बारे में यह समझना कि एंटा अमीबा हिस्टोलिटिका की फर्स्ट फॉर्म है, इसको ट्रॉफिक या मैग्ना फॉर्म भी कहते हैं। कहाँ पे मिलती है, ये क्या है, बहुत एक्टिव है, मोटाइल है और फीड करती है, फीडिंग फॉर्म है, इसीलिए ये पैथोजेनिक है ह्यूमन बीइंग के लिए। लार्ज इंटेस्टाइन के अपर पार्ट में पाई जाती है। 20 से 30 माइक्रोन इसका डायमीटर होता है साइज, और आउटर कवरिंग है उसको आप बोलते हो प्लाज्मा लीमा। ये दिस इज द आउटर कवरिंग, दैट इज नोन एज द प्लाज्मा लीमा, ठीक है। ये प्लाज्मा लीमा क्या है, थिन है, इलास्टिक है और सेमी परमिएबल, यहाँ तक ठीक है। आफ्टर देन द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म इज डिवाइडेड इनटू द टू पार्ट्स, के अंदर डिवाइड है आउटर एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म। एक्टो यानी कि आउटसाइड में और एंडो जो इनसाइड में। तो एक्टोप्लाज्म इज क्लियर नॉन ग्रेनुलर, कोई ग्रेन्यूल्स इसके अंदर नहीं है, लेकिन एंडोप्लाज्म है, दैट इज द ग्रेनुलर जो सेंटर में प्रजेंट्स, दैट इज द एक्टोप्लाज्म। तो इस एक्टोप्लाज्म के अंदर ही देर इज न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, एंडोप्लाज्म के अंदर ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और इस न्यूक्लियस का साइज 4 to 6 माइक्रोन होता है, ठीक है। तो न्यूक्लियस भी किससे बाउंड है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाउंड है, और जिसका इनर सरफेस इज इनक्रस्टेड विद फाइन क्रोमेटिन ग्रेन्यूल्स। यू कैन सी क्लियरली हियर
कि न्यूक्लियस किससे सराउंड है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, और उसका इनर सरफेस इनक्रस्टेड किससे है, क्रोमेटिन ग्रेन्यूल से। ठीक है, इन द सेंटर यू कैन सी इन द डायग्राम, इन द सेंटर देर इज ए डोट लाइक स्ट्रक्चर जिसको आप बोलोगे एंडोसोम या कारियोसोम। ठीक है, जो जिसके चारों तरफ क्या है, देर इज ए क्लियर एरिया अराउंड द एंडोसोम जिसको हम कहते हैं हेलो। ठीक है, ओके, और एंडोप्लाज्म में क्या है, देर इज इंजेस्टेड आरबीसी, वाइट फूड वैक्यूल्स प्रेजेंट हैं जिनके अंदर आपके आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, एपिथेलियल सेल्स और बैक्टीरिया प्रेजेंट्स होते हैं। और इसके अंदर एंटामीबा हिस्टोरिटिका के अंदर एंटीरियरली एक लार्ज ब्रॉड और ब्लंट सूडोपोडियम होता है जिसकी हेल्प से, एक ही होता है पैरासिटिक, इसे मोनोपोडियल बोलते हैं, एक सूडोपोडिया प्रेजेंट होता है जिसकी हेल्प से ये मूव करता है। ठीक है, देन न्यूट्रिशन इज, ट्रोफोजोइट्स के अंदर न्यूट्रिशन क्या है, होलोजोइक, फीड बाय द फैगोसाइटोसिस, टेक द सॉलिड फूड पार्टिकल्स। ठीक है, तो ये आया समझ में अब तक, यहाँ तक दिस इज ऑल अबाउट द ट्रॉफिक फॉर्म। भाई तीन फॉर्म बताई हमने, ट्रोफोजोइट्स या मैग्ना, प्रीसिस्टिक और सिस्टिक, तीन फॉर्म्स हैं। तो फर्स्ट फॉर्म हमने डिस्क्राइब की ट्रोफोजोइट्स, जो सबसे एक्टिव है, मोटाइल है, फीडिंग फॉर्म है, खाती है, और वही फीड करेगी तो ये डिजीज़ भी यही फैलाएगी। म्यूकोसा और सब म्यूकोसा अपर पार्ट लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट है और साइज 20 से 30 माइक्रोमीटर है। किस चारों तरफ एक प्लाज्मा लीमा है जो सेमी परमिएबल है, थिन है, इलास्टिक है, और साइटोप्लाज्म दो पार्ट्स में डिवाइड है, एंडोप्लाज्म और एक्टोप्लाज्म। एक्टोप्लाज्म क्लियर है, कोई ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट नहीं, एंडोप्लाज्म डेंस है और उसके अंदर ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। एंडोप्लाज्म में ही आपका न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और न्यूक्लियस भी किसे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंडेड होता है। न्यूक्लियस के सेंटर में एक डोट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे आप एंडोसोम बोलते हो, और एंडोसोम के चारों तरफ यू कैन सी क्लियरली दैट ए क्लियर एरिया, साफ एरिया है जहाँ पे ग्रेन्यूल्स नहीं है, उसको आप हेलो बोलते हो। न्यूक्लियस का साइज 4 से 6 माइक्रोमीटर होता है। न्यूट्रिशन होलोजोइक है, यानी कि फैगोसाइटोसिस प्रोसेस के थ्रू होती है। दिस इज ऑल अबाउट द मॉर्फोलॉजी ऑफ द ट्रोफोजोइट्स और द मैग्नाफोर। ठीक है, दिस वर्जन, दिस सेशन इज पावर्ड बाई डिजिटल वर्जन 2.0 ज्योति विद्यापीठ वुमेन यूनिवर्सिटी जयपुर। होप यू विल अंडरस्टैंड अबाउट द मॉर्फोलॉजी ऑफ द ट्रोफोजोइट्स और द मैग्नाफोर्म। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज मेंशन इन द कमेंट बॉक्स, आई विल रिजोल्व इट। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।